कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अनवांटेड साइट हैं, सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग को ही सेक्स टॉर्शन का नाम दिया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से कोई अनजान लड़की पहले दोस्ती करती है, फिर वो अपना मोबाइल नंबर आपको मैसेंजर में देती है, आपका मोबाइल नंबर मांगती है, तत्पश्चात वो वीडियो चैट के माध्यम से अश्लील हरकतें करती है, स्क्रीन रिकॉर्डर के आधार पर उसमें कुछ न्यूड सीन सम्मिलित कर दिए जाते हैं और फिर उनको YouTube पर अथवा अन्य मीडिया चैनलों में अपलोड करने की धमकी दी जाती है तथा पेटीएम के माध्यम से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। एक नया ट्रेंड आया है जिसमें अनजान लड़की के माध्यम से वीडियो चैट की गई, वीडियो बनाकर धमकी दी गई तथा इसमें कई पुलिस अधिकारियों की पिक लगाकर मोबाइल से मैसेज आते हैं कि अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड से बचना चाहते हो तो आप पैसे दे दीजिएगा। क्योंकि ऐसे लोगों का पता कराना बहुत मुश्किल होता है, कई लोगों ने साइबर क्राइम में FIR दर्ज कराई, परंतु कुछ इस तरह के कारण है कि ज्यादातर एड्रेस फर्जी होते हैं, मोबाइल नंबर फर्जी होते हैं, ATM जो पेटीएम अकाउंट होते हैं वो भी किसी से हायर किए हुए होते हैं। अतः इसके बचने का एक ही तरीका है, वो जागरूकता है। ज्यादातर इसके शिकार पढ़े लिखे नौकरी पैसा होते हैं अथवा युवा वर्ग होता है जो बदनामी के डर से, नौकरी जाने के डर से हैंकर को, साइबर अपराधी को पैसे देने लगता है। कई बार इस तरह की साइट हैं जो आपको देती हैं कि आप एकांत में हैं, आप बोर हो रहे हैं, आप लड़की से दोस्ती कर लीजिएगा और दोस्ती के जाल में फंसाकर वो असली वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करते हैं।